आज इस व्यक्त समागम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का इस व्याख्यान माला के आठवें दिन मैं पंडित कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन की ओर से, उसके चेयरमैन श्री राजेश पति त्रिपाठी जी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आज कुछ प्रशस्त विभूतियां हमारे बीच व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम आपके बीच प्रति में अपने उद्गार रखने के लिए जिस शख्सियत को आमंत्रित करेंगे, वो उनका नाम पर्याप्त है। भारत में डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी, जो किसी और अतिरिक्त परिचय के मोहताज नहीं है सिवा इस एक वाक्य के कि वो इस समय देश और दुनिया में गांधीवादी रचनात्मक आंदोलन के सबसे बड़े नायक हैं। हमें दूसरे संगठनों में अपने राजीव गांधी स्टडी सर्किल में भी उनका सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहता है। और आज हमारे बीच वो पंडित कमलापत त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला में अपने उद्गार के लिए हमसे जुड़े हैं। भूत है और उन्हें पंडित कमलापत त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से, उनके सभी, उनके चेयरमैन और सभी पदाधिकारियों की तरफ से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और देश के प्रशस्त राजनेता, मूर्धन्य पत्रकार और संपादक, यशस्वी लेखक, एक 5 दशक तक जनप्रतिनिधित्व अटूट, जनप्रतिनिधित्व का संसदीय जीवन जीने वाले एक समर्पित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभिन्न पदों को उसके कार्यकारी अध्यक्ष तक सुशोभित करने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे स्वर्गीय पंडित कमलापत त्रिपाठी जी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला के तहत मैं सादर निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी से कि वो अपने उद्बोधन से, अपने उद्गार से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के नाम से एक प्रतिष्ठान चला रहे हैं। बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, पंडित जी की तस्वीर देख रहा हूँ मैं यहाँ। बहुत दिन हो गए हमको वो छोड़ गए। उनके जीते समय कई बार मिलने का अवसर मिला तो मुझे लगा पंडित जी जैसे, आपने जैसे कहा कि वो पत्रकार भी थे, कलाकार भी थे, राजनीतिक भी थे, तो मैंने सोचा पंडित जी को अच्छा लगे ऐसा एक गाना गाऊं। पहले मुझे महाराष्ट्र में एक गाना मिला, अच्छा लगा तो हिंदी को अनुवाद किया और उसको गाते हैं दक्षिण भारत के राग हंस ध्वनि से। महाराष्ट्र का गाना, हिंदी का अनुवाद, दक्षिण का राग, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हमारे जैसे देश में इसकी ज़रूरत है। विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न जाति के, धर्म के, विभिन्न क्षेत्रों के जोड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा पंडित जी की यादगार में 2 मिनट का एक गाना गा। भिन्नता में अभिन्नता आज गाए आरती, भिन्नता में अभिन्नता आज गाए आरती। कोटि हस्त कोटि पाद
हृदय एक भारती कोटि हस्त कोटि पाद हृदय एक भारती हृदय एक भारती भिन्नता में अभिन्नता आज गाए आरती भिन्न वेश भिन्न भाषा भिन्न धर्म रीति भिन्न वेश भिन्न भाषा भिन्न धर्म रीति भिन्न पंथ भिन्न जाति भिन्न पंथ भिन्न जाति फिर भी एक संस्कृति भिन्न पंथ भिन्न जाति फिर भी एक संस्कृति हृदय एक भारती भिन्नता में अभिन्नता आज गाए आरती भिन्न लिंग भिन्न छंद भिन्न भाव आकृति भिन्न रंग भिन्न ढंग भिन्न भाव आकृति भिन्न छंद भिन्न बंध भिन्न छंद भिन्न बंध निराली एक कलाकृति हृदय एक भारती भिन्नता अभिन्नता आज गाए आरती भिन्न राग भिन्न गीत अर्थ एक बहता भिन्न राग भिन्न गीत अर्थ एक बहता भिन्न शौर्य भिन्न धैर्य भिन्न शौर्य भिन्न धैर्य घोष एक भारती हृदय एक भारती भिन्नता में अभिन्नता आज गाए आरती भिन्न राग भिन्न गीत भिन्न ताल तार फिर भी मधुर एक झंकृति भिन्न ताल तार फिर भी मधुर एक झंकृति विविध पुष्प खिलता है पंखुड़िया महकती विविध पुष्प खिलता है पंखुड़िया महकती भिन्नता में अभिन्नता आज गाए आरती कोटि हस्त कोटि पाद हृदय एक भारती हृदय एक भारती हृदय एक भारती सामने होते तो मैं कहता सभी गाओ मेरे साथ और नारा भी लगाते हमारे नौजवान मेरे साथ लगाते हैं भिन्न वेश भिन्न भाषा भिन्न वेश भारत अपना एक देश बहुत बहुत जरूरत है आज पंडित जी इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कहा जाता है इंग्लिश में सभी भाषाओं में होगा एन आउंस ऑफ डूइंग इज बेटर देन ए टन ऑफ टॉकिंग बोलते हैं टन भर बात करो उससे अच्छा एक आउंस का काम तो करो मैं तो बात ही बातों में रह जाएंगे और ये जो राष्ट्र को एक बना के रखना हमारे महान भारत देश को अखंड बना के रखना उसके लिए आज बहुत बहुत जरूरत है पंडित जी बोलते तो थे राष्ट्र एकता की बात लेकिन और जीवन में उतारते थे बोलने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन जीवन में दिखाने वाले जीवन में अनुभव करने वाले पंडित जी को मैं बहुत बातों के लिए प्रशंसा करता हूँ क्या व्यक्तित्व था एकदम अच्छा तिलक लगा के चंदन के तिलक और एकदम हमेशा फ्रेश लगते थे और जो भी विभाग संभाला खास करके रेलवे बहुत अच्छा प्रगति हुई उनके माने में लेकिन जीवन में अपने खुद के जीवन में उनके ब्राह्मण थे लेकिन उनकी बहू थी सिंधी अभी तो सिंध पाकिस्तान में है
तो जोड़ दिया ब्राह्मण को सिंधी से। इसकी आज आवश्यकता है, घर घर में ऐसा हो, बहुएं आए अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के आए, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी देखने में एकदम लगते थे कितना शुद्ध ब्राह्मण है, एकदम तिलक देखो कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन घर में देखो सिर्फ घर में ही नहीं करती थी बहू जी, बहू जी मेरे रेलवे में भी उनको मदद करती थी काम करने में, और बाहर सामाजिक कार्य में भी काम करती थी। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण था। और दूसरी चीज, क्योंकि मैं सिर्फ दो तीन दिन उनके घर में रहा वाराणसी में, बहुत अच्छा लगा मुझे, नित्य पूजा करते हैं पंडित जी, एकदम निष्ठा से पूजा करते थे। और पूजा करने की सामग्री मैंने देखा, सामग्री एक मुसलमान लड़का तैयार कर रहा है सारा, तो उनके मन में ये दीवाल नहीं है जो दीवाल हमको सता रहा है आज, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं सिख, मैं तो ये मैं अलग अलग करके देश को, देश की अखंडता को बिगाड़ रहा है। एक बड़ा उदाहरण कमलापति जी त्रिपाठी जी के, कि अपने घर में जो पूरा पूजा उनकी सामग्री थे, राम लला की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति, शिवलिंग सब साफ कर रहा है मुसलमान, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, ये मैं मनुष्य हूँ वो भी मनुष्य है। और जीवन भर में महात्मा गांधी जी ने हमको 18 कार्यक्रम दिया था, 4 से शुरू किया, 7 बने, 14 बने, 18 बने, 18 कार्यक्रम होने के बावजूद प्रथम कार्यक्रम था भारत की अखंडता का कार्यक्रम। और जीवन भर प्रयास किया महात्मा गांधी ने, अखंड बना के रखेंगे भारत को, तोड़ने नहीं देंगे। अब वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन श्रोताओं को ये बात याद रहे तो अच्छी बात है। हमारे गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष थे डॉक्टर दिवाकर, आर.आर. दिवाकर। गांधी शताब्दी 50 साल पहले जो हुई, डॉक्टर आर.आर. दिवाकर उस समिति के अध्यक्ष बन गए। इंग्लैंड में भी एक समिति बने, क्योंकि वहां भी जोरदार गांधी शताब्दी अभी भी होगा 150वां साल, वहां शताब्दी की समिति बने, उसके अध्यक्ष बन गए लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, दोनों अध्यक्षों के आमने सामने हुआ। तो डॉक्टर दिवाकर जी ने लॉर्ड माउंटबेटन जी से पूछा, लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का विभाजन कैसे हो गया? मुझे आश्चर्य नहीं, आपने सभी को समझाया, लेकिन महात्मा गांधी को कैसे समझा दिया? गौर से याद रखने की बात है। माउंटबेटन बोले, डॉक्टर दिवाकर, एक गांधी जी तो मेरी मुसीबत थी, मुझे विश्वास था मैं सबको समझा दूंगा, लेकिन गांधी जी को समझा नहीं पाऊंगा, वो तो अड़े हुए हैं, भले जिन्ना कोई प्रधानमंत्री बना दो लेकिन भारत को तोड़ो नहीं खोल रहे। तो मुझे मौका मिल गया, गांधी जी 3 महीने चले गए बंगाल में, खास करके जो झगड़ा चला था तो नौखाली में, फिर कलकत्ते में गए, तो कलकत्ते में राजा जी माने उनके समधी, वो गवर्नर थे लेकिन वो रहे गवर्नर के घर में नहीं, झगड़ा हुआ था कलकत्ते के कोने में बेलिया घाटा, वहां जाके रुके। बल्कि याद करना चाहिए हमको, भारत की ये आजादी के समय 14-15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, बेलिया घाटा में थे, कलकत्ता का एक शहर जहां
आपस में लड़के मरे थे लोग हिंदू मुसलमान, वहां 3 दिन तक उपवास किया, प्रार्थना करते रहे, सबको सन्मति दे भगवान, सूद काटते रहे। वहां के वो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर घोष, पूछते गांधी जी कैसे मनाया आजादी का दिन। गांधी जी बोले इतना हिंसा होती है, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, हिंदू मुसलमान काट रहा है एक दूसरे को, कैसे मनाएंगे? उपवास करके मनाएंगे, प्रार्थना करते मनाएंगे, सूद काटते मनाएंगे। 3 दिन तक उपवास करते रहे। पंडित कमलापति त्रिपाठी इसका जवाब खोज रहे थे, गांधी जी हमसे, क्योंकि मैं खुद खूब जुलूस किया उस दिन, खूब मिठाई खाया, बाद में मालूम पड़ा गांधी जी उपवास किया उस दिन। तो पंडित कमलापति त्रिपाठी ने गांधी के आत्मा को शांति मिले, समाधान मिले, ऐसा काम किया। अपने घर में बता दिया दुनिया को, सिर्फ बात करके नहीं, अपने आदर्श के मूल्य से बताया, मेरी बहू सिंधी है, वो भी एक इंसान है, मेरा काम करने वाला मुसलमान है, वो भी इंसान है। आज महात्मा गांधी का ये बहुत बड़ा एक संदेश, भारत को दुनिया को जरूरत है। तो माउंटबेटन डॉक्टर दिवाकर जी को कहते हैं, गांधी जी चले गए नौखाली में और कलकत्ते में, उस समय में एक एक को बुला के समझाया, क्योंकि माउंटबेटन भी जाना चाहते थे, वो तो बर्मा से आ गए थे और सीधा यहाँ, और एटली ने कह दिया था भारत आजाद हो जाएगा, तो उन्होंने कहा आजादी होना है तो जल्दी करके मैं चले जाऊं बाल बच्चों के साथ लंदन में। लेकिन गांधी जी के कारण न हो पा रहा था। बोलते हैं गांधी जी चले गए, एक एक नेता को बुला के मैंने समझाया, देखो मान लो पाकिस्तान के लिए मान लो। तो गांधी जी लौट आते हैं नौखाली से, एकदम शॉक, अरे कृपलानी तुमने भी मान लिया। और जो सरकार में थे, इंटीरियम सरकार था, सितंबर 2, 1946 से 15 अगस्त 1947 तक, माने 8-9 महीने मिलकर सरकार चलाया, कांग्रेस भी था, मुस्लिम लीग भी था, जस्टिस पार्टी भी था, हिंदू महासभा भी था, सब पार्टियां इकट्ठे करके चलाया। उतने दिन में देखा तोबा तोबा, ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं चल सकता है, सरदार पटेल होम मिनिस्टर, एक एक कदम उठाना चाहते हैं, बीच में मुस्लिम लीग आ जाता है, नहीं होने देता है। तो इतने थक गए थे, बाबा छोड़ दो, अब पाकिस्तान अलग होने जाए और हम लोग भारत को अच्छी तरह से चलें। इस तरह से गांधी जी को मजबूर होकर मानना पड़ा, क्योंकि एसीसी में सिर्फ एक सदस्य थे जो गांधी जी के साथ थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान, और जैसे पाकिस्तान बना उनको जेल में रख दिया, इतना बड़ा संत आदमी को पाकिस्तान बनते उनको जेल में रखा वहाँ, कि भारत टुकड़ा हो गया उसमें। तो पंडित जी अपने उदाहरण से हमको बता रहे हैं, देखो देश में बहुत सारा काम करना है, और अभी तो ये क्या बीमारी आ गई, उससे मुक्ति करना बहुत बहुत पहला काम है, फिर इंडस्ट्री पर चलाना, खेती अच्छा चलना, सब कुछ करना है, लेकिन भारत की अखंडता को बना के रखना। और भारत की अखंडता को बना के रखना माने मुझे कुछ योगदान करना है, इतना महान मूल्यवान बात करने के लिए। पंडित जी ने बताया, देखो बहू सिंधी है और मेरा कार्यकर्ता मुसलमान है, तो हम लोग सोच सकते हैं किसी के घर में ईसाई बहू आ जाए, किसी के घर में सिख बहू आ जाए। हमारे एक मराठ में एक घर में सिख दामाद आया, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, लड़की खुद ने कहा कि मुझे सरदार चाहिए, उस सरदार से शादी हुई, ऐसा शादियां हो और ऐसे जैसा कम बनारस और सिंध जुड़ गए कमलापति जी के घर में, ऐसा एक एक घर में भारत पाकिस्तान जुड़ जाए, भारत श्रीलंका जुड़ जाए, भारत, बल्कि हमारे एक बहुत वरिष्ठ गांधी के साथ वाले थे आचार्य काका साहब कालेलकर,
वो मेरा शिविर उद्घाटन करने आए। उन्हें देखा, बताया हमको, देखो पहले जमाने में एक गांव वाला उसी गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता था। अभी भी रिवाज है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी भी रिवाज है दूर का रिश्ता होना चाहिए, तो जितना दूर का उतना अच्छा। तो काका साहब ने, नौजवान थे तो उनको समझाया, देखो उस वक्त गांव गांव का रिश्ता अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि रिश्ता तो गांव गांव का होता था, क्योंकि बैलगाड़ी से काम चलता था। अब हवाई जहाज का संबंध हो गया है, इसीलिए उस वक्त एक गांव का लड़का उसी गांव के लड़के से शादी नहीं करना नियम था। अब नियम करो, एक देश का लड़का उसी देश की लड़की से शादी नहीं करना। तो मेरी बहू ऑस्ट्रेलिया की है, मेरी बहू कनाडा की है, मेरी बहू जर्मनी की है, ऐसा बने तो आचार्य विनोबा भावे ने, जिनके 125वां साल हम मना रहे हैं, एक नारा दिया, सारी दुनिया को जोड़ो सिर्फ भारत को नहीं। उसीलिए वो नारा है जय जगत। तो भारत में तो जय हिंद बोलता हूँ तो खुश होते लोग, लेकिन कभी जर्मनी गया, कभी जापान गया, कभी रशिया गया, कभी अमेरिका गया, कभी इन देशों में कहा तो जय जगत, सब खुशी खुशी जय जगत बोलते, गाना भी गाते जय जगत का गाना। तो पंडित कमलापति त्रिपाठी एक बहुत निष्ठावान धार्मिक आदमी, लेकिन बंद गले का नहीं है, बंद दिल का नहीं है, विशाल दिल के एक व्यक्तित्व था, ऐसे चाहिए। और पंडित जी को याद करता हूँ, उनके साथ कैसे कैसे लोग हमारे देश में हो गए, पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित गोविंद वल्लभपन, और उधर सीबी गुप्ता, और उधर डॉक्टर संपूर्णानंद, और देश के चारों ओर देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कैसे छुने छुने एक एक भी। और गांधी जी का ये करिश्मा था कि सब तरह के लोगों को जोड़ दिया, और वो लोग भी ऐसे निकले कि आपस में, राजा जी तमिलनाडु के और शाह उनके लड़के शादी किया महात्मा गांधी के लड़के से, तो इस तरह से रिश्ता जोड़े। बहुत सारे सीखने को है, लेकिन आज के और भविष्य के भारत को और दुनिया को पंडित जी से सीखने का है, दिल विशाल बना के रखो, दिल विशाल बना के रखो। और ये जाति, ये धर्म, और ये भाषा, ये राष्ट्र, ये सारे दीवाले तोड़ो और रिश्ता बनाओ, पुल बनाओ दीवालों के, ये दीवालों की जगह, तो एक नया राष्ट्र बने, एक नया मनुष्य खड़ा हो इस दुनिया में, ताकि दुनिया की एक एक नया रूप बने, जहाँ हिंसा नहीं होगी, भूख नहीं होगी, बेकारी नहीं होगी, अस्पृश्यता नाम की चीज नहीं होगी, और मादक पदार्थ, शराब है, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग, ये नहीं होगी। और साथ साथ में पंडित जी से सीखो राजनीति में जाने वाले, कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईमानदार होगा प्रत्येक व्यक्ति, तो ऐसी नई दुनिया की कल्पना, मनुष्य बदलने से दुनिया बदलेगी। इसलिए कौन करने वाला है काम, मुझे करना है, मुझे करना है। मेरा व्यक्तित्व के लिए पंडित कमलापति त्रिपाठी से आदर्श मैं लूँगा, और उसका लाभ मुझे मिलेगा, भारत माता को मिलेगा, पृथ्वी माता को मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया तो मुझे याद आ गई पंडित जी से मेरा रिश्ता जो था, क्योंकि मैं कामराज जी एक अध्यक्ष हो गए कांग्रेस के, वो तमिल ही तमिल बोलते थे, और मालूम पड़ा कि मैं अनुवाद कर सकता हूँ। मैदागिन, मैदागिन एक वाराणसी में बहुत बड़ा मैदान है, कचाकच भरा, क्योंकि पहले बार नए अध्यक्ष बने थे, तमिलनाडु के बन गए थे कामराज जी, और मैदागिन तो मशहूर है, इतना हल्ला, इतना हल्ला। हम तीनों गए पंडित जी, त्रिपाठी जी, कामराज जी, मैं, और हल्ला हल्ला, कितने चिल्ला रहे हैं, शांति नहीं आ रही है।
तो पंडित कमलापति त्रिपाठी ने माइक लिया और खामोश कहा। उसी के बाद बोले, मेरे लिए एक बहुत ही एक तरह से अभिमान की बात, 60 साल पुरानी बात है, यानी मेरी उम्र थी शायद 30 साल का करीब हो रहा था। तो पंडित जी ने चिल्लाया, क्या हल्ला कर रहे हो, देखो अभी नौजवान तुम्हारे सामने आएगा, कितना अच्छा अनुवाद करेगा, देखो तुम मेरी तारीफ करके करके एकदम शांति से बैठक हुई। हो गए होंगे शायद 20-25 लाख, पिछले 1000 लोग होंगे, और इतनी शांति से बैठक हुई। मैं याद करते रहता हूँ कामरा जी के साथ तो पंडित जवाहरलाल बैठे होते थे, लाल बहादुर शास्त्री बैठे होते थे, और उनके सामने मुझे मौका मिलता था, तमिल की भाषा हिंदी में करता था। तो मैदागिन में बहुत शांति से प्यार से सुना हजारों लोगों ने, तो पंडित जी ने उस वक्त तो मुझे तारीफ किया था, वो भी याद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी का, अपनी ढेर सारी स्तुतियों के माध्यम से पंडित जी के व्यक्तित्व की विराटता और अपनी संस्कृति में जो उनकी जड़ें थी, उन दोनों के बीच पुल जैसा जो उनका व्यक्तित्व था, उसे आदरणीय सुब्बा राव जी ने आप सबके सामने रखा। और इतनी पुरानी स्मृतियाँ, 91 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है उनकी, इतनी पुरानी स्मृतियाँ बिल्कुल जैसे कल की बात हो, ताजी हो। मैदागिन का टाउन हॉल का मैदान भी उन्हें याद है, जहाँ एक जनसभा में उन्होंने कामराज जी के भाषण का अनुवाद पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के कहने से किया। तो अब उनके साथ निकट सानिध्य से जो उनके व्यक्तित्व की विराटता थे, उनके अनुभव थे, उनके आधार पर अभी एस एन सुब्बा राव जी ने अपनी बात रखी। और अब हमारे बीच जो दूसरे वक्ता हैं, उनके लिए भी मैं वही बात कहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ आदमी तो निश्चित रूप से केवल नाम पर्याप्त है, जिसका चंचल जी, यद्यपि उनकी अपनी एक स्थापित राष्ट्रीय पहचान है, ठीक उसी तरह अपनी जड़ों से अपने गांव में आज रहते हैं, वहां से रह करके जिस तरह से उन्होंने लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और राजनीतिक जगत में भी अपनी एक पहचान बनाई है, एक मौलिक उनका व्यक्तित्व है, सिद्धांत व्यक्तित्व है, वैचारिक प्रतिबद्धता का व्यक्तित्व है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अपने जमाने के जो बहुत मशहूर कुछ अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति इतिहास के हुए हैं, जिसमें बेहद प्रभावशाली अध्यक्षों में चंचल जी की गणना होती है, आज भी उन्हें लोग स्मरण करते हैं। आदरणीय चंचल जी से निवेदन करता हूँ कि वो पंडित कमलापति त्रिपाठी स्मृति व्याख्यान माला के क्रम में अपने उद्गार प्रकट करें। चंचल जी नमस्कार। सतीश जी, आपने अच्छा मौका दिया। कल हमारे मित्र और इसी परिवार के एक सदस्य, जिनके बाबा के बारे में आज यहाँ चर्चा हो रही है, राजेश पति त्रिपाठी जी का जन्मदिन था, और मैंने फेसबुक पे वायदा किया कि मैं आज लिखूंगा, लेकिन तब तक आपका हुक्म हुआ कि आज पंडित जी पर भी बोलना है। हमने कहा कि दोनों को जोड़ दिया जाए, आजा नाती कोई एक साथ। तो आबू भाई सुन रहे होंगे, राजेश पति त्रिपाठी मेरे मित्र हैं, मैं उनको आबू बोलता हूँ। एक मायने में हम उस परिवार के सदस्य रहे, एक मायने नहीं, उसको कई मायने में भी आप जोड़ सकते हैं। सियासत के सवाल पर अभी सुब्बा राव जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी समझिए कि पंडित कमलापति त्रिपाठी और उन जिस रवायत से पंडित जी आए हैं उसको समझने के लिए उस जगह को देखिए जहां से ये चर्चा चलती है। उस बनारस में उस जगह का नाम है औरंगाबाद।
औरंगाबाद आप बनारस में बोलिए तो जैसे ठीक उसी तरह से जैसे वाशिंगटन बोल रहा है, दिल्ली बोल रहा है या इस्लामाबाद बोल रहा है, ढाका बोल रहा है, उसी तरह से सियासत के दुनिया में औरंगाबाद का एक नाम है। और औरंगाबाद बोल रहा है मतलब पंडित जी के परिवार बोल रहा है, औरंगाबाद ने ये कहा इसका मतलब कि औरंगाबाद मतलब पंडित जी के परिवार ने ये कहा। अब मुझे जो विषय मिला है बड़ा दिलचस्प है कि पंडित जी के समाजवादी चरित्र और समाजवादी रिश्ते के बारे में हम बात करें। इसके लिए थोड़ा सा परवरिश जान लीजिए कि पंडित जी की परवरिश कैसे हुई थी जिसमें वो समाजवादी पैदा हो गए। एक ब्राह्मण परिवार और समाजवादी होना थोड़ी सी दिक्कत की जरूरत होती है, दिक्कत क्या क्रांतिकारी होना होता है। तो हम अभी चार पीढ़ियों से तो वाकिफ हैं, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, उनके पुत्र लोकपति जी, लोकपति जी के सुपुत्र श्री राजेश पति जी जो हमारे मित्र हैं, और चौथे हैं ललितेश्वर जी जो हमारे बेटे की तरह है। तो हम इस चार पीढ़ी से तो परिचित हैं, लेकिन ये पीढ़ियां शुरुआत कहाँ से हुई उस पर थोड़ा सा एक नाम और जोड़ लीजिए, वो है रामानंद पति त्रिपाठी का। एक नाम इतिहास में मुगल सल्तनत में एक नाम आपने सुना होगा, शाहजहां के एक लड़के का नाम है दारा शिकोह। वेदांत और संस्कृत पर उसका जबरदस्त काम है, उसके उसका मोह है। आप मुगलिया सल्तनत को मंगोल से मत जोड़ लीजिएगा मेहरबानी करके, थोड़ा सा फासला है, थोड़ा सा नहीं जमीन आसमान का फासला है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप इतिहास बोध की तरफ जाएंगे तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि जो हुकूमत है ये कैसे है, इसका आकलन इतिहास ही नहीं करता, इतिहास बोध भी करता है। मुगल सल्तनत पर उंगली उठाने के पहले एक बात सोच लीजिएगा कि ये लूट करके हिंदुस्तान को लूट करके किसी विदेश में नहीं गया है, हिंदुस्तान को पुख्ता किया है, मजबूत किया है, उसी के हिस्ट्री का एक हिस्सा है औरंगजेब। औरंगजेब का बड़ा भाई है दारा शिकोह, आता है शिक्षा लेने के लिए बनारस में, खोज रहा है कि वेदांत वेद और इस्लाम के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, केवल शब्दों का फर्क है लेकिन दोनों एक ही चीज है। बड़ा खूबसूरत काम है। और इतिहास और राजनीति शास्त्र विशेष करके हमको तकलीफ होती है कि बनारस जैसी जगह पे कम से कम 4-5 विश्वविद्यालय हैं, अकेला शहर है दुनिया का जहां इतने विश्वविद्यालय इकट्ठे बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स पर खोज नहीं हो रही है। इरफान साहब ने इतिहास लिखा है लेकिन इतिहास बोध तो आप लिखो ना, वो नहीं हो रहा। एनीवे, तो जब दारा सिंह को यहाँ सीखने के लिए आया तो पंडित लोग उछल गए कि साहब हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते इसलिए कि आप मलेच्छ हैं। बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन संवाद यही हुआ। एक परिवार तैयार हुआ था और उनका नाम है रामानंद पति त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि विद्या एक दान है, दरवाजे पर ड्योढ़ी पर जो भी आए उसको दान करो। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी के परदादा हैं हिस्ट्री में। और जब वही दारा शिकोह को उसके भाई ने, छोटे भाई ने मारा औरंगजेब ने, और औरंगजेब जब आया बनारस में तो वो खोजना शुरू किया कि यहाँ क्या क्या हुआ। भाई सतीश जी जो हमारा इंट्रो दे रहे थे उनके अपनी उनसे हुई बातचीत के आधार पर उनके लिखित वो हैं। फिर बड़ा दिलचस्प मामला हुआ वहां पर, उसको पता चला कि एक परिवार है जिसने दारा शिकोह को यहाँ पर संस्कृत पढ़ाया था और प्रकांड विद्वान बनाया था, वो है रामानंद तिवारी, रामानंद पति त्रिपाठी का। वो आया यहाँ पर मिलने के लिए और वहां पर जिस जगह पर पंडित जी का घर है, उनके परदादा रामानंद पति त्रिपाठी का, वहां पर एक सराय बनाना शुरू किया। और वो सराय की दीवार जब खड़ी होती थी तो गिर जाती थी, बन नहीं पा रही थी। तो लोगों से पता दरियाफ्त किया कि कौन सा रास्ता हो सकता है कि ये सराय यहाँ पर बन जाए। लोगों ने कहा कि आप एक ही परिवार है उससे बात करिए। फिर पंडित जी को बुलाया गया, रामानंद पति त्रिपाठी को। उन्होंने एक छोटा सा सुझाव दिया कि आप गंगा का पानी मंगवा करके उसका गारा तैयार कराइए और ये इमारत बन जाएगी। और वही हुआ, तब से औरंगाबाद फेमस हुआ हिस्ट्री में। हमारे बच्चों तक को नहीं मालूम है, हमें खुद नहीं मालूम था।
और ये किस्सा अगर सतीश जी से मुलाकात नहीं होती तो हमको कहां से पता चलता कि ये औरंगाबाद हिंदुस्तान की सियासत में, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में बहुत जबरदस्त दस्तखत है भाई। और उसके बारे में बड़ी एक छोटी सी घटना का जिक्र कर दूं, विषयांतर नहीं होगा। हम बहुत कम उम्र में पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई, 67। पंडित जी चंदौली से चुनाव हार गए थे, गैर कांग्रेस बाद का हुजूम चल रहा था, डॉक्टर लोहिया का गैर कांग्रेस बाद घूम रहा था, चंदौली से पंडित जी चुनाव हार गए। जौनपुर से हरगोविंद सिंह जो बेताज बादशाह रहे हैं, दरमियाने चुनाव वो एक्सपायर कर गए, वो उपचुनाव होना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार पंडित कमलाकर त्रिपाठी को बनाया। यहाँ तो हम समाजवादी थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि पंडित कमलाकर त्रिपाठी मूलतः समाजवादी हैं। होता है बचपने की किस्सा होता है, 15-16 साल का रहा होऊंगा तो हम लोग विरोध करते थे लेकिन विकल्प नहीं बता पाते थे, इसलिए कि हमारा विरोध जनसंघ के राजा जौनपुर जो उसके वो थे सरबराकार थे उनसे भी रहता था। तो एक दिन पंडित जी ने हमको, एक जगह है वहां पर जिसको बनारस में अड़ी बोलते हैं, जौनपुर में एक दुकान है, अड्डा है सीताराम पांडे की, हम लोग वहीं पर बैठ के चाय पीते थे, कभी बार पैसा नहीं देना पड़ता था, मुफ्त मिल जाती। वहां पर पंडित जी की गाड़ी रुकी और बोले कि ये लड़का कौन है, ये हमेशा उछल कूद करता रहता है। और वाकई उस उम्र में मैं थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ बाचाल था, जैसा नाम है उसी तरह से, और उधम मचाया करता था। विश्वनाथ सिंह वकील थे जो काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट रह चुके थे, उन्होंने पंडित जी से परिचय कराया कि ये राय मुन्ना का नाती है और यह है इसी परिवार से राय वो थे निकले, अंबिका सिंह जो आप लोगों के साथ जेल में रहे। तो पंडित जी के दिमाग में मेरा नाम ये घर कर गया कि मुन्ना का नाती है, राय मुन्ना का नाती है। अंत तक वो रहा, जब भी मिलते थे मेरा नाम नहीं लेते, बस ये राय मुन्ना का नाती, इधर आओ। ये रिश्ता पंडित जी का शुरू में 67 में बना और मिटा भी, गैप हुआ वो, फिर बाहर रहा। हमको क्या मालूम एक दिन फिर बनारस जाना है। 70s में मैं बनारस आया और बनारस में फिर पंडित जी से, वहीं पर ये पंडित जी की हमारी, तो पंडित जी को याद दिलाना पड़ा मुझे कि आपसे मैं मिल चुका हूँ जोधपुर वगैरह वगैरह। इस तरह से सबसे दिलचस्प बात हुई कि इस परिवार के साथ हमारे जो टर्म थे समाजवादियों के, बहुत सारे समाजवादियों को ये नहीं मालूम था कि पंडित कमलाकर त्रिपाठी समाजवादी राजनीति की देन है। इसके बावजूद उनकी मानवीय स्थिति को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के, उनकी समझ को लेकर के ये लोग साथ में हमेशा रहते थे। एक बीच में विषयांतर न हो इसलिए बता दूं कि पंडित जी की सोच क्या थी। अब देखिए कि पंडित जी को रवायत कहाँ से मिली पंथ निरपेक्षता की। अभी सुब्बा राव जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हमारे युवजनों को बताना चाहिए कि पंडित जी का व्यक्तित्व तो कमाल का रहा भाई, इनको रवायत में मिली है, इनके ब्लड में मिली है कि जब सारे पंडित एक मुसलमान को शिक्षा देने के लिए नहीं तैयार हैं तब पंडित जी का परिवार शिक्षित कर रहा है उसको, तो ये तो रवायत जाएगी ही परिवार में। और पंडित जी सही मायने में हिंदू हैं, ठीक उसी तरह से जैसे सही मायने में गांधी हिंदू है, ठीक उसी तरह से जैसे सही मायने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या लोहिया हिंदू हैं। असल हिंदू वो होता है जो उसके तत्व को जानता है, और बाकी जो ये कथित हिंदू होकर के घूम रहे हैं उसके तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये बार बार हिंदू कहते हैं लेकिन जो हिंदू होता है हिंदू कहता नहीं। तो ये हिंदू और मुसलमान से किया ईसाई, इसका भेद कभी इन लोगों ने किया नहीं, बल्कि उसके खिलाफ जम करके लड़े। तो अब जिस मोहल्ले में पंडित जी रहते हैं उसका नाम क्या है, औरंगाबाद। औरंगाबाद मुगलिया सल्तनत के नाम पर बनी हुई एक बना हुआ एक मोहल्ला है। कट, आइए अब नए इतिहास। अगर आपको याद होगा तो बाबरी मस्जिद का आंदोलन लेकर के जब एक, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा टिपिकल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक सिंधी
जिसका न हिंदू से कोई लेना देना न मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, दोनों से कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल हुकूमत से लेना देना है। और जो आज भुगत रहे हैं अडवाणी साहब, जब ये चले हैं तो उस आंदोलन के, उनकी रथ यात्रा के खिलाफ सबसे मुखर हिंदू अगर कोई बोला है तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कमला पत्र त्रिपाठी। और उन्होंने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद पर एक भी फावड़ा गिरेगा तो सबसे पहले मेरी पीठ पर गिरेगा। इस जहनियत का, इस सोच का कहां मिलेगा? और उसके बारे में मुझे, मैं खुश नसीब हूं कि आज पंडित जी को याद करने का कई बार मौका मिला है, लेकिन इस तरह से बात करने का मौका आप लोगों ने दिया, सतीश जी वगैरह ने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से पंडित जी के साथ हम लोगों के टर्न बने। अभी हम एक अजीब दिक्कत में फंसे हुए हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ी जो गलती की है, अपना इतिहास बच्चों के पास पेश नहीं किया। आपके पास ऐसी ऐसी विभूतियां हैं कि जिनका इतिहास अगर दे दीजिए आप बच्चों को, तबीयत खुश हो जाएगी। पंडित कमलापत त्रिपाठी का देखिए कार्यकाल कहां से शुरू, 16 साल की उम्र में 1905 में पैदा हुए और 1921-34 के बीच में काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर संपूर्णानंद के शिष्य के रूप में स्थापित होते हैं। क्या कमाल का पीरियड रहा होगा सर। और बनारस उन दिनों सेंटर है हिंदुस्तान की आजादी और वैचारिक एकता, वैचारिक डिस्कशन का एक सबसे बड़ा प्लेटफार्म है काशी विद्यापीठ। आचार्य नरेंद्र देव उसके कुलपति हैं, कमलापत त्रिपाठी जी वहां के छात्र हैं, संपूर्णानंद उनके टीचर हैं। अब बताइए तो वहां तो कमलापति त्रिपाठी ही पैदा होंगे ना, कौन जानता है। एक वाकया सुनाऊंगा आपको। मैं 70s में काशी विद्यापीठ में पहले मैंने दाखिला लिया, मैंने लिखा भी है, और उस समय एक आंदोलन चल रहा था, पंडित जी मुख्यमंत्री थे, आए तो नारा लगाने वाले जगदम्बा शास्त्री, परमानंद सिंह वगैरह वगैरह सब जितने भी लोग थे नारा भी लगा रहे हैं, और पंडित जी मुस्कुरा रहे हैं, पंडित जी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। और ऐसी हालत में मजे की बात देखिए कि जब मैंने देखा कि जो नारा लगा रहे हैं पंडित जी के खिलाफ, जब पंडित जी से नजर मिलती है तो वो भी पंडित जी को प्रणाम करके फिर मुस्कुरा देते हैं। तो ये व्यक्तित्व मैंने देखा, तो पंडित जी का हम लोगों ने ऐसे ही, हमने कहा ये किस तरह की बात है ये। बोले पंडित जी नीचे उतरे, सामने काशी विद्यापीठ के सामने जाकर के मैदान में बैठ गए, कुर्सी लगाई गई, वहीं प्रोफेसर राजाराम शास्त्री। मैं खुश नसीब हूँ कि प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जब कुलपति थे तो उनके मौजूदगी में हम वहां पर छात्र थे। हमें खुशी है कि हम ये कह सकते हैं कि हमको प्रोफेसर कृष्णनाथ ने पढ़ाया है काशी विद्यापीठ। शास्त्री होते होते बच गए, अलग बात है। बारह, ऐसी सिचुएशन में एक नौजवान का निकलना और देश की राजनीति में चमकना मामूली बात नहीं थी। कई इस तरह के उदाहरण हैं जिन लोगों के बारे में ये चर्चा हो रही है, उनके कुछ किस्से बड़े दिलचस्प हैं। जैसे एक बार 70s में अगर आप लोगों को याद होगा, और याद भी होगा, चौधरी साहब कांग्रेस से छटक करके संबित सरकार बने, डॉक्टर लोहिया के गैर कांग्रेस बाद में, और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। और उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, वो आदि समाजी थे, थोड़ा सा रिजिड थे, मुरारजी भाई वाले ग्रुप में थे, यथास्थितवादी कांग्रेस में थे वगैरह वगैरह। उन्होंने एक कानून बनाया कि साहब छात्र संघ भंग होना चाहिए, भंग हो गया। मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस आंदोलन में सेंट्रल विश्वविद्यालय में थे हम, काशी विश्वविद्यालय से उन लोगों ने साथ दिया, वो लोग आंदोलन कर रहे थे। इलाहाबाद में श्याम कृष्ण पांडे वगैरह थे, तमाम सारे लोगों ने, सतपाल मलिक साहब जो गवर्नर हैं मेरठ में थे, ये सारे के सारे लोग उस आंदोलन में शामिल हुए और चौधरी चरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किए। बारह, सरकार गिर गई, लेकिन मुकदमा जो हम लोगों के ऊपर दर्ज हुआ था वो तो अपनी जगह पे कायम रहा। पंडित जी के घर पे हम चार पांच लोग रुके थे, आबू दोस्त, राजेश पति त्रिपाठी,
एक फार्मूला मालूम था कि अगर पुलिस के घर के सामने जाकर के रहोगे तो पुलिस तुमको नहीं खोजेगी, नंबर वन। अगर सत्ता संस्थान के घर पे जाकर के मुख्यमंत्री के घर पे रह रहे हो तो कौन पूछेगा? हम लोग पंडित जी के घर पे रहे औरंगाबाद में, तो पंडित जी बाई हुए, पंडित जी आ गए, कुर्सी लगा के बैठे। तब तक दोपहर का खाना हम लोगों को आ रहा था कमरे में, तो पंडित जी ने पूछा कि किन लोगों के लिए खाना जा रहा है। लोगा कि आबू के दोस्त आए हैं। पंडित जी जानते थे कि आबू के दोस्त होंगे तो उनको मालूम है कि मैं आ रहा हूं तो आएंगे और पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, बंदगी करेंगे, जाएंगे। लेकिन ये कैसे दोस्त हैं? तो पंडित जी ने बहू जी को बुलाया। बहू जी ने कहा कि नहीं, उनके दोस्त हैं जिनके ऊपर आपकी सरकार का वारंट है। पंडित जी मुस्कुराए, लल्लू जी को बुलाया अपने बेटे को जो लोकपति थी, बोले कुर्सी लगवा हुआ हो वहीं दरवाजा पे, और उस जिस कमरे में हम लोग बैठे थे एक ही दरवाजा, मेन दरवाजे पर पंडित जी की कुर्सी लग गई। और देखा के है वो, अरे राय मुन्ना का नाती तो हूँ, लल्लू DMSP ब्लॉक, अब हम लोगों के जान खतरे में, गिरफ्तारी हो गई है। DMSP आए, पंडित जी ने बड़ी बेबाकी से कहा कि क्या हुआ उन लड़कों की गिरफ्तारी के दिन पर मुकदमा है? बोले साहब मिल नहीं रहे हैं, पूरी दबिश दी जा रही है, नहीं पाओगे, जब मुख्यमंत्री के घर में रहेंगे तो तुम कहां से पाओगे? एक काम करो, मैं कल पहुंच रहा हूं लखनऊ, वहां पहुंच करके पहला ऑर्डर यही करूंगा कि इन बच्चों के ऊपर जितने भी मुकदमे लादे गए हैं सब वापस हो जाएंगे, लोगों को जाने दो, नहीं तो हम ही सजा दे रहे हैं और उसका भुगतान भी हम ही कर रहे हैं। तो मजाक देखिए, पंच और बिट उस जनरेशन में कितना कमाल का था ये। और हम लोग साहब पंडित जी को प्रणाम किए चले आए। एक और मजेदार किस्सा सुना दो, उसी जमाने की बात। हमारे एक मित्र हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के रहे, पंडित रामजी द्विवेदी पंकज, आज भी हैं, जिंदा हैं अभी, मजेदार शख्स। हम लोग किसी डिमांड को लेकर के गए पंडित जी के यहाँ, और रामजी द्विवेदी पंकज अपना पान मुंह में बुलाए थे। एक पहचान थी पंडित जी की, ये कि समाजवादी कभी पैर नहीं छुएगा, वो जानते थे। जब कोई मिलने जाए प्रणाम करे तो वो चेहरा देख लेते थे और अंदाज लगा लेते थे अंदर से कि समाजवादी होगा ये, इसलिए खुद समाजवादी रहे। उसके बहुत सारे किस्से हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है वगैरह वगैरह। ठीक, इस तरह से रामजी द्विवेदी पंकज को देखते ही पंडित जी उखड़ गए। उसने प्रणाम किया तो मुंह ऊपर करके, अपने पान खाया हुआ था, प्रणाम किया तो पंडित जी गुस्से में बोले, पान खा करके बात करते हो? बड़क मैं इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ, पान नहीं खाना ही खा के बात करूंगा? पंडित जी को भी हंसी आ गई और उनका भी पान गिरते गिरते बचा। इस तरह के जो पंच और बिट उस जनरेशन के पास थे उसका जवाब नहीं। अब इनके गुरु जी जिनको संपूर्णानंद कहते हैं, आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं, उनके दो वाकायत बता दूं तो बताऊं कि इनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक काशी विद्यापीठ में हो रही है, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना आजाद हैं, पटेल हैं वगैरह वगैरह सब हैं और बैठे हुए हैं, होस्ट हैं कुलपति साहब आचार्य नरेंद्र देव और बापू आए हुए हैं इनवाइटेज में। संपूर्णानंद और आचार्य नरेंद्र देव में जम करके दोस्ती थी और जम करके लेग पुलिंग होती थी एक दूसरे की खिंचाहट। ये किस्सा मुझे सागर सिंह ने बताया JP के सामने। बोले कि संपूर्णानंद ने कहा कि मैं अपने घर से होके आता हूँ, तब तक खाना लगवाना। लौट के आए तब तक पंगत बैठ चुकी थी, सब पत्तल पे बैठ रहे थे, खाना खा रहे थे, खाना शुरू ही हुआ था। आते ही डॉक्टर संपूर्णानंद ने आचार्य जी को संबोधित करके कहा कि क्यों आचार्य, बगैर हमारे खाना शुरू हो गया, निकालूं जूता? दो अर्थी मामला था। आचार्य जी बड़े उस्ताद आदमी थे इन सब सवालों। आचार्य जी ने कहा कि नहीं निकालोगे तो खाओगे कैसे? और ये बात गांधी जी सुन रहे थे, अपने कमरे से निकल के करके बाहर आए और संपूर्णानंद को बुलाए कि तुमने आज मुझसे सुबह पूछा था
कि आप आचार्य जी को ज्यादा क्यों मानते हैं? उसका जवाब दूं? बोले नहीं बापू, मिल गया है। ये इस तरह के लोगों के बीच में से ये पंडित जी गुजरे हैं। बताइए कितना कमाल का किस्सा रहा होगा, कितनी कमाल की दास्तान रही होगी, कितने उठा पटक, तमाम तरह की चीजें रही होगी। अब मैं अपना एक निजी अनुभव बता करके बात खत्म करूं। वो है इमरजेंसी में मैं पकड़ लिया गया, आई जो जैसे होता, सब लोग जेल में गए। तो जेल में हम लोगों को जो किताबें मिलती थी, अब उसमें दूसरी किताबें तो मिलेगी नहीं, दास्तोवस्की वगैरह ये सब तो मिलेंगे नहीं। तो उसमें एक किताब हमारे पास आई पढ़ने के लिए, वो थी पंडित जी लिखी हुई किताब, जो वो जेल से उन्होंने लिखा था अपने बेटे के नाम पे, लल्लू जी के नाम पे, अमर सुधेंदु पटेल। बड़ी खूबसूरत किताब, लाजवाब भाषा, कमाल के संबोधन। मैंने उसी तर्ज पे पंडित जी को एक खत लिखा जेल से कि हम लोगों के साथ भी वही हो रहा है जो आपके साथ उस समय हुआ अंग्रेजी हुकूमत में, तो अब क्या कुछ तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी वगैरह वगैरह, जैसा होता है। अब स्टूडेंट लाइफ थी, जवानी थी वगैरह, खूब जम करके लिखा साहब। तो उस जमाने में चिट्ठियां सेंसर होती थी, हम जो बाहर भेज रहे हैं या बाहर से जो चिट्ठी आ रही है उसको जेल एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदे बैठ के पढ़ता था और फिर हम लोगों के पास आता था। तो उसी के साथ उस दिन मैंने 3 चिट्ठियां भेजी थी। एक थी विनोद शुक्ला जो आज अखबार के मैनेजर बने थे, दूसरी थी हमारी मित्र साधना, और तीसरी चिट्ठी थी पंडित कमलाकर त्रिपाठी, डिप्टी जेलर जो सेंसर कर रहा था, बदमाश था थोड़ा, उसने चिट्ठियों को बदल दिया। जो चिट्ठी मैंने अपनी दोस्त को लिखा था साधना को, वो उठा करके पंडित जी के लिफाफे में डाल दिया, और पंडित जी की जो चिट्ठी थी लिफाफे में, वो उठा करके साधना के उसमें डाल दिया लिफाफे में। पंडित जी का कोई जवाब नहीं। एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, बड़े ओपन दिमाग से कह रहा हूँ कि ये पंडित कमलापत त्रिपाठी के जमाने तक एक सहूलियत रही है कि जो लोग भी मामूली सी किसी भी बात पर चिट्ठी लिखते थे किसी भी नेता को, वो उसका जवाब देता था। अब वो परंपरा बंद हो गई है, ये गांधी से शुरू हुई परंपरा और पंडित जी तक चली है बहुत हद तक, और सारे नेता इसको मानते रहे। जवाब नहीं आया तो हमने तो गया होगा, नहीं दिए होंगे पंडित जी। जेल से छूटने के बाद हम पहुंचे एक दिन पंडित जी के वहां दिल्ली के दफ्तर में, BHU के पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी भी वहां मौजूद थे। हरिहर गुरु लाजवाब आदमी, आओ शिष्य, जेल कैसी रही? हमने कहा बहुत सुख जा रही। फिर बातचीत हुई तो हमने कहा पंडित जी मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जेल से, कुछ जवाब नहीं दिए। मैंने कहा कि पंडित जी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जेल से। मुस्कुराए पंडित जी, बोले अंजू इनकी बहन है राजेश्वरी की, हम लोगों की बहन, बड़ी मजेदार इतनी हिलेरियस है, हंसाते हंसाते लोट पोट कर देगी। अंजू बुलाया, अंजलि नाम है उसका। तो देखो उस फाइल में से जरा एक एक चिट्ठी होगी, निकाल लो। तो चिट्ठी आई तो हरिहर गुरु को उन्होंने पकड़ा दिया कि इसको जरा दिखा दो। पंडित जी जब हम लोगों से जब भी बात करते थे तो अपने वही बनारस की भाषा में, प्लीज दिखा दे। देखा तो चिट्ठी साधना वाली चिट्ठी पंडित जी के पास पहुंची हुई है। अब मेरी हिम्मत छूट गई क्या, मैं इनको जवाब क्या दूं? मैं सीधे चुपचाप उठा, बाहर लान में आया। तब तक वहां आबू मिल गया। आबू का क्या यार, कोई खाना वाना खा के जाइए। अरे हमने कहा कुछ नहीं मिल गया, बहुत बुरे फंस गया हूँ, इमरजेंसी से ज्यादा घातक अब मेरे ऊपर मुकदमे चल जाएंगे, निकल जाने दो किसी तरह से। मैंने बाद में आबू को बताया, लिखा भी लोगों को, दिनमान भी छपाई। पंडित जी ये लोग, ये शख्सियतें कहाँ अब मिलेंगी? तो इस तरह के ये लोग जो जिंदगी को बसर किए हैं, तो इतना ही नहीं लाजवाब काम रहा है पंडित जी का, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, मना कर दिया। नो, ये कमिटमेंट देखिए, और बड़ी छिपी हुई कहानी है ये।
जब इनसे कहा गया कि इंदिरा गांधी को हटा करके आपको बनाया जाएगा प्रधानमंत्री, राजीव गांधी को हटा करके, और ये टकराहट थी यानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में, पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं ये मेरा संस्कार है, नहीं ये मेरी राजनीति है, इतना ही नहीं हूं मैं, ज्यादा बोल रहा हूँ शायद सतीश जी। हाँ एक वक्ता, मैं अपनी बात खत्म करूं क्या जी? हाँ एक वक्ता और है जी। पंडित जी को कभी पद का मोह नहीं रहा, ये सबसे बड़ी चीज है। और जब ये कहा जाता है कि अब पंडित जी नहीं है, उनको श्रद्धांजलि तो हंसी आती है, भाई पंडित जी तो जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान की सियासत में, कांग्रेस की जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं सबके सब जिंदा रहेंगे, वो कभी मर नहीं सकती। अगर हम लोग इतने जवाब देने के काबिल हो जाएं जिस दिन इन लोगों को मौत दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद चंचल जी, अपने अनुभव, अपने संस्मरण और बड़े रोचक संस्मरणों के साथ पंडित जी के व्यक्तित्व को आपने अपने व्याख्यान में विभिन्न कोणों से स्पर्श किया। हम सब आभारी हैं आपके उद्बोधन के लिए। और अब हमारे बीच जो आज के तीसरे और अंतिम वक्ता हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो पंडित कमलापत त्रिपाठी की ही एक विश्वविद्यालय के रूप में कृति रही है अपने शिक्षा मंत्रित्व काल में, जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय का स्वरूप गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से संस्कृत वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया और वही अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वैसे ही जैसे काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय के पूर्ण विश्वविद्यालय की मान्यता उन्होंने प्रदान कराने की पहल की अपनी चांसलर बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र नाथ पांडे जी हैं। मैं उन्हें विनम्रता से सादर आवाज कि वो पंडित कमलापत त्रिपाठी के संदर्भ में अपने उद्गार धन्यवाद सतीश जी। मैं त्रिपाठी जी से तो उनके छोटे भाई करुणापत त्रिपाठी जी से ज्यादा संपर्क में रहा, क्योंकि वो हमारे यहाँ वाइस चांसलर भी थे। पंडित जी के यहाँ जब कभी औरंगाबाद जाने का अवसर मिला तो वहाँ वो जो उनका कक्ष था जिसमें वो लोगों से मिलते थे, वहीं हम लोग बैठ के इंतजार करते थे और आने पर उनका दर्शन होता था। कुछ चीज़ें हम उनके बारे में जो कहना चाहते हैं वो ये है कि दो तरह के संस्कार आदमी के अंदर आते हैं। मनुष्य कुछ संस्कारों को अपने परिवेश से लेता है और कुछ संस्कारों को वो अपनी परंपरा से लेता है। तो जो अपनी परंपरा से संस्कार आते हैं उनमें दृढ़ता होती है, वो दृढ़ संस्कार होते हैं और वो जल्दी उनका त्याग नहीं हो पाता। पंडित जी का हमने जो सुना है कि वो संध्या अवश्य करते थे, संध्या की बात तो अब आजकल आज के परिवेश में लोग जानते भी नहीं, लेकिन पूज्य पंडित जी इस संध्या अवश्य करते थे, ये हमने सुना है। और उनकी जो प्रखर वक्तृता थी और लेखन शक्ति थी उसके बारे में हमको रामबालक शास्त्री जी ने, जो गांधी संस्कृत पत्र के संपादक थे और प्रवर्तक थे, उन्होंने ही बताया। वो कहते थे कि जब कभी कुछ उनसे
हम प्राप्त करना चाहते थे तो जाते थे, तो जब मौका मिले तो घंटों बोलते। हेलो पंडित जी, आपका आपका वीडियो, आपका फेस नहीं आ रहा है अच्छे से, थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, आप जरा अपने बेटे को, हाँ ठीक, अब ठीक है, अब बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कंटिन्यू करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम बालक शास्त्री जी बताते थे कि जब कभी वो बैठ जाए तो घंटों बोलते थे और बिना रुके हुए बोलते थे, और भाषा का लालित्य भी उसी तरह से रहता था। तो इस तरह से उन्होंने ये उनके अंदर जो संस्कार थे और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति का जो एक वो था कि जिससे वो अपने को, अपने भावों को स्फुटित करते थे या मूर्त रूप देते थे, तो उसमें बड़ी उनकी तल्लीनता होती थी। वो कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते थे। उनकी पुस्तकों के उससे इतने व्यस्त जीवन में उन्होंने जो 5-6 पुस्तकें लिखी, उनको देखने से स्पष्ट होता है कि किस तरह से उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। और हम आप सब ये जानते हैं कि सबसे मूल्यवान वस्तु आयु का एक क्षण होता है। आप एक बार प्लीज फोन अपना उठाइएगा, अपने बेटे को बोलिएगा फोन उठाने के लिए, थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ए गोलू गोलू, जी आ गया, कहाँ गया, ये थी हो जाता। हाँ तो अब जा रहा है, अब आवाज जा रही है। ठीक नहीं हो रहा, क्या हुआ? हाँ नहीं, वो उधर ये सेट करने के लिए। चलो बाबा, अब ठीक है, आप बोले। अच्छा तो जिस तरह से उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और वो जितनी पुस्तकें वो लिख पाए, वो ये बताता है कि उन्होंने अपने समय को बड़ी का अच्छी तरह से सदुपयोग किया। और संस्कृत के लिए तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो अविस्मरणीय है, और ये संस्कृत के प्रति उनका अनुराग, ये कोई कहे कि उन केवल वो पारिवारिक परिवेश जो था, क्योंकि उनका परिवार संस्कृत से जुड़ा था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो ये तो देखिए ठीक है, क्योंकि जिस परिवेश में आदमी रहता है वहाँ से के संस्कार तो आते ही हैं, परंपरा से मिलते हैं। लेकिन उसमें जो उनकी उनका जो अनुराग था संस्कृत के प्रति, वो विशेष रूप से देखने लायक है। और किसी भी विवेकशील व्यक्ति का अनुराग या कहीं भी उनकी अपनी निर्भरता, ये किसी अंधश्रद्धा से विवेकशील व्यक्ति की नहीं होती, वो जब वो गुणपरक होती है। और इसीलिए जब हम उनका जो भी संस्कृत के प्रति अनुराग देखते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि वो संस्कृत का जो साहित्य है
उससे जिस तरह से प्रभावित थे उसके कारण उन्होंने ऐसा किया। और एक बात तो और है कि आप भाषा का लालित्य जो उनकी पुस्तकों में देखते हैं, उनको भाषा का लालित्य बिना संस्कृत के ज्ञान के या बिना उसके अनुराग के उतना नहीं आ सकता। हम अगर प्रसाद जी की रचनाओं को देखें, जयशंकर प्रसाद जी की, तो उसमें जो भाषा का लालित्य है या अन्यत्र भी जो भाषा का लालित्य देखने को मिलता है वो उसकी पृष्ठभूमि में संस्कृत ही है। तो इसलिए संस्कृत के प्रति उनका अनुराग का होना स्वाभाविक है। और उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार थी 40 में या उसके आसपास, हम सही समय तो नहीं कर सकते, तो पंडित राम बालक शास्त्री जी ने हमको बताया था कि उस समय बाबू संपूर्णानंद जी थे शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने वेतन संस्कृत के अध्यापकों का अन्य अध्यापकों के बराबर किया। तो उसमें भी पंडित जी की प्रेरणा ही थी मूल रूप से, क्योंकि राम बालक जी ने बताया कि आए हुए थे बाबूजी यहाँ संपूर्णानंद जी हरिश्चंद्र कॉलेज में, तो वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए वो लोग ट्रेंड होते हैं तो इसलिए अन्य जो अध्यापक हैं अंग्रेजी के या साइंस के उनकी अपेक्षा उनके बराबर वेतन आपको कैसे दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो बराबर समय देते हैं, अध्यापन वही करते हैं, फिर हमको हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। खैर तो वो कह के आए कि ठीक है आप हमको वेतन देने का वो करिए, हम प्रयास करेंगे कि आपके ही हाथ से लें। और उन्होंने उसके लिए एक रास्ता अपनाया, वो ये था कि वो जाके इलाहाबाद में झा जी से मिले, उस समय वो वहाँ के वाइस चांसलर थे, और उनसे कहा कि आप बनारस आवें तो हमारी एक सभा को संबोधित करें। तो खैर उन्होंने संबोधित किया सभा को, और उसमें केवल संस्कृत के जो अध्यापक थे उनको उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा करके और उनके अमरनाथ झा जी का व्याख्यान करवाया। और उसमें उनका प्रयास केवल इसलिए था झा जी का व्याख्यान कराने के लिए कि वो जो बोलेंगे उसको मुख्य माने प्राथमिकता से हर समाचार पत्र अपने मुख पृष्ठ पर उसको देगा। और यही हुआ। अंत में दूसरे दिन जब संपूर्णानंद जी वो बजट पेश कर रहे थे या क्या वहाँ कुछ, तो उस समय वो पंत जी थे और महादेवी वर्मा थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि आप जब तक संस्कृत शिक्षकों के समान वेतन की घोषणा नहीं करते हैं तब तक हम लोग इसको आपके प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे, और उनको वो घोषणा करनी पड़ी। तो ये इसका हमने इसलिए केवल यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया कि ये कितनी जागरूकता थी पंडित जी की। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो संस्कृत विश्वविद्यालय को जब मूर्त रूप दिया तो उस समय वो शिक्षा मंत्री थे, किंतु वैसे भी वो संस्कृत के हित में बराबर सोचते रहते थे। और इसका परिणाम ये है कि ये विश्वविद्यालय अपने पूर्ण स्वरूप में संस्कृत समाज को प्राप्त हो सका। हाँ ये जरूर है कि पंडित जी की जो रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने
ठीक करो। हाँ, एक कट जा रहा है सतीश जी। हाँ, कुछ आप नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप क्या लगे जाओ। दो तीन मिनट में अपनी बात कह ले, नेटवर्क की प्रॉब्लम से लग रहा है संबंध विच्छेद हो गया और समय भी हो गया है और आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और कल इस व्याख्यान माला की अंतिम कड़ी में फिर हम लोग 7 बजे एकत्रित होंगे और परसों 3 सितंबर पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती का दिन है और उस दिन 1 बजे दिन में समागम नियोजित है जिसका ऑनलाइन प्रसारण इसी प्रकार से होगा और परसों के कार्यक्रम में माननीय श्री निर्मल खत्री जी मुख्य अतिथि होंगे हम लोगों के। तो कल शाम 7 बजे इस व्याख्यान माला की अंतिम कड़ी में एक बार अंतिम बार हम लोग इस व्याख्यान के लिए व्याख्यान की कड़ी में अंतिम 3 व्याख्यानों के लिए मिलेंगे। तब तक नमस्कार।